हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च पर, जिसे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इससे लास्ट जो हमने सब्जेक्ट उठाया था वो था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अब जो ये ऑपरेशन रिसर्च है, इसे हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि उसी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक्सटेंशन है या फिर उसी का एक पार्ट है। तो आज के ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक है, वो है डिसीजन मेकिंग इन ऑपरेशन रिसर्च। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ही, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, अगर आप लोगों को याद हो तो। जो डिसीजन है, डिसीजन तो ऑब्वियसली कैसे लेते हैं वो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, तो उसके लिए अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक बायो में मैंशन कर देती हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। आज की टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ डेफिनेशन रीड कर लेते हैं एक बार। डिसीजन मेकिंग इज रिगार्डेड एज द कॉग्निटिव प्रोसेस रिजल्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ अ बिलीफ और अ कोर्स ऑफ एक्शन अमंग सेवरल ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज। सेम अगर हम मैनेजमेरियल डिसीजन मेकिंग की बात करें, क्योंकि जैसे कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन मैनेजमेंट, तो हम डिसीजन मेकिंग को भी मैनेजमेंट से अगर लिंक कर दें, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की या फिर जो एक कंपनी है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी डेली रूटीन की, जैसे कि हम कहें हमारी सेल्स गिर गई या फिर हमें अपनी मार्केट को बढ़ाना है, मार्केट रीच एक्सटेंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव हैं हम उसको ढूंढेंगे। अब अलग अलग टेक्निक्स यूज करके हम उसे ढूंढेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया, हम प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम फैक्ट्स ढूंढेंगे या फिर उससे रिलेटेड हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, उनको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे जो भी हमारे फैक्ट्स हमने ढूंढे हैं, और उन जो फैक्ट्स हमने ढूंढे हैं उनमें से हम बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा उसको ढूंढ कर, दैट इज डिराइव कर इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जो डिसीजंस है उसकी भी क्लासिफिकेशन है। डिसीजन भी कई तरह के हो सकते हैं, एक तो सर्टेनिटी के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, और हमारे ओपोनेंट के या फिर हमारे कहें कंपोनेंट के बेसिस के ऊपर हमारे डिसीजन हो सकते हैं। सर्टेनिटी से रिलेटेड हमारे पास सर्टेन और अनसर्टेन सिचुएशंस के अंदर डिसीजन आते हैं। सर्टेन वो होते हैं हमारे जहाँ पे हमें सारे फैक्ट्स पता हैं, और ये भी पता है कि वो सारे के सारे फैक्ट जो हमें पता हैं वो सही हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा हो गया, पता है या नहीं पता है। अगर सीधे शब्दों में कहूं कि जो भी चीजें हमारे सामने हैं वो सही हैं और हमें पता है कि ये 100% सही हैं। और वही अनसर्टेनिटी के केस के अंदर हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, जरूरी नहीं है वो सही हो, हम उसकी प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज निकालते हैं कि हाँ भाई सही होना चाहिए, तो उसे हम कह देते हैं अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर अपना डिसीजन लेना। अब टाइम के बेसिस पे बात कर लेते हैं, तो स्टैटिक डिसीजन या डायनामिक डिसीजन, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, स्टैटिक मतलब जो करंट सिचुएशन है, करंट टाइम के या फिर फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हम डिसीजन बनाते हैं वो स्टैटिक डिसीजन होगा। मतलब हमने एक ही पॉइंट इन टाइम के लिए डिसीजन बनाया, ना कि अनसर्टेन पॉइंट के लिए। हमें पता है कि ये डिसीजन की जरूरत हमें कब पड़ने वाली है। फिर जो डायनामिक है, दैट इज हमने एक सीक्वेंस हमने डिसीजन का निकाला है, वो डिसीजन अभी भी यूज होगा, उसका डिसीजन का जो सेकंड ऑप्शन है वो आगे यूज होगा, ऐसे करके जो डिसीजन है वो सिर्फ एक सिचुएशन के लिए नहीं है, अलग अलग टाइम पीरियड में वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होएगा, इसलिए उसे हम डायनामिक डिसीजन बोलते हैं। फिर ओपोनेंट के बेसिस पे, या तो हमारा ओपोनेंट रैशनल होगा या रैशनल नहीं होगा। अब जरूरी तो नहीं है कि जो हमारा ओपोनेंट है वो रैशनल पर्सन हो, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे भी हमारा डिसीजन लिया जाता है। अब जो ये सारे डिसीजंस मैंने यहाँ मेंशन करे, ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है। मतलब कि जो एक डिसीजन है वो सर्टेनिटी के बेसिस पे देखें तो वो सर्टेन भी हो सकता है, और टाइम के बेसिस पे सेम डिसीजन स्टैटिक भी हो सकता है। मतलब एक ही डिसीजन है जिसे हम स्टैटिक डिसीजन और डिसीजन अंडर सर्टेनिटी भी बोल सकते हैं। सिमिलरली हम ओपोनेंट वाले में भी, हम रैशनल हमारा ओपोनेंट हो तो भी हम तीनों को क्लब करके हमारा डिसीजन आया। तो डिसीजन जो ये अलग अलग हमने क्लासिफाई किए हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि एक दूसरे से रिलेटेड ही रहेंगे हमेशा।
आगे बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले तो जो डिसीजन लेने वाला है उसको होना बहुत जरूरी है। अब वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप बना सकते हैं, कोई कमेटी बना देते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोसाइटी है जो डिसीजन लेना चाहती है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या एक्शंस हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास पॉसिबल, जिससे हम उस डिसीजन को सॉल्व कर सकें। फिर हमारा पॉसिबल स्टेट्स दैट में अगर क्या क्या सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी वो। उसके बाद क्या क्या जो सिचुएशन हम जो डिसीजन लेंगे उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम उसको भी देखेंगे। और जो हमने डिसीजन लिया और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो उसका हमें बेनिफिट होगा, उन सबको हम रिलेशनशिप में टुगेदर देखते हैं डिसीजन बनाते वक्त। मतलब कि मैंने एक डिसीजन ले लिया बिना फ्यूचर का सोचे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैंने डिसाइड किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बेयर करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए एडवांस में हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढ के उन्हें एनालाइज करते हुए चलते हैं। अब हम ये अपने छोटे मोटे डिसीजन की बात नहीं कर रहे, कौन सा पेन खरीदूं, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अगर डिसाइड कर लिया इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और वो उसे रिवर्स नहीं कर सकते बाद में, बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज्यादा उनका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए वो एडवांस में अपने कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह को देख कर चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है। ये एक मैथमेटिकल बेस्ड एनालाइज है हमारे क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के लिए। मतलब जो हमारे मैनेजमेंट डिसीजंस हम लेते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। और मोस्टली जो क्वालिटेटिव डिसीजंस हैं उनको हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के थ्रू एनालाइज करके अपना रिजल्ट निकालते हैं, जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं। अब मतलब कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक मार्केट में अपना सेल बढ़ाना है, मेरी सेल नहीं हो रही उस पर्टिकुलर मार्केट में, तो उस ये तो मेरा रिसर्च जो मैंने बात बोली ये तो सीधा सीधा क्वांटिटेटिव डिसीजन था। अब अगर मैं जर्नल बोलूँ कि मैं जो सेल बढ़ानी है उसके लिए हमें मैनेजर चेंज करना है, अब वो मैनेजर चेंज करना है कंक्लूजन पर हम कैसे आए? डिसीजन हमारा क्वालिटेटिव है बट हमने अपनी सेल्स की फिगर्स को क्वांटिटेटिव टेक्निक से एनालाइज किया होगा कि जो करंट मैनेजर है उसके होने से कितना हमारे फिगर्स में चेंजेस आए हैं। तो उन फिगर्स के चेंजेस को हमने एनालाइज किया और क्वालिटेटिव डिसीजन पे अपने आए। तो इन शॉर्ट हमने यूज तो की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अपने क्वालिटेटिव डिसीजन पे आने के लिए, और इन्हीं मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज हम ऑपरेशन रिसर्च कहलाता है। अब जो एसेंशियल आइडिया है हमारे क्वांटिटेटिव अप्रोच का डिसीजन मेकिंग में, वो हमारा बहुत ज़्यादा आसान भी है, अपने कॉम्प्लेक्स टूल्स से हम यूज़ करके इसको निकाल लेते हैं। और जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम भी है डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसी को हम ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं। अब ऑपरेशन रिसर्च पैदा कहाँ से हुआ, किसी ने तो बनाया था, उसकी क्या हिस्ट्री है? अब जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उनमें अपने जो मिलिट्री फोर्सेस थे उनकी एफिशिएंसी, उनकी स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए उन्होंने कुछ साइंटिस्ट हायर किए कि भाई हमारी जो मिलिट्री मैनेजमेंट हो रहा है वहाँ कुछ कमी पड़ रही है, और इस चीज को आप एनालाइज करो कि हमारे मिलिट्री के जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे इफेक्टिवली यूज हो जाएं। तो उस चीज को जब एनालाइज किया उन साइंटिस्ट ने, उन्होंने बहुत सारी अपनी रिसर्च वगैरह की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च हमारे पास, ऑपरेशनल रिसर्च हमारे पास सामने आया। जैसा कि इसके नाम में ही है, रिसर्च एक्टिविटी ऑन ऑपरेशनल एरियाज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब क्योंकि उस टाइम उन्होंने उनकी ब्रिटिश की आर्मी के लिए किया था एनालाइज, तो उस टाइम उसके लिए हमने आर्म्ड फोर्सेस यूज किया। और उसके बाद ये टेक्निक जो है वो 1950s में जो हमारी क्लियर कट प्रॉब्लम्स थी या फिर एक स्ट्रक्चर्ड हमारी प्रॉब्लम्स थी कि भाई डिफाइंड है हमारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये है, उसमें इसका यूज होना शुरू हुआ 1950s के टाइम में। और 1960s में इस प्रॉब्लम को हमने अपने थोड़े कम स्ट्रक्चर्ड चीजों पर लगाना शुरू किया और उसका यूज करना शुरू कर दिया। अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नेचर और कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो हमारा डिसीजन मेकिंग। ये एक बहुत ही प्रिमाइस है ऑपरेशन रिसर्च का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि एट द एंड आगे हमें डिसीजन ही लेना है। अब इसके स्टेप्स हम जैसे कि पहले भी देख चुके हैं, वहां पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है यहाँ पर साइंटिफिक, एक अप्रोच है क्योंकि इसमें हमने जो है सारे अपने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज किए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारी एक साइंटिफिक अप्रोच है। यहाँ पे कोई भी जो है गेस वर्क की, तुक्के की गुंजाइश नहीं है, हमें टू द पॉइंट
करेक्ट आंसर निकाल कर देना है, तुक्के नहीं मार सकते, बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, तुक्कों का काम ये नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एट द एंड फाइनल गोल होता है, फाइनल उसका एम होता है, उसी पर ये बेस्ड होता है। और जो इसके मेजर हैं उसको हम ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास आते हैं उनसे कंपेयर करके अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही देखते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये जो ऑर्गेनाइज ऑपरेशनल रिसर्च है इसमें हमें बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज चाहिए, मैथ्स की, स्टैट्स की, इकोनॉमिक्स की, इंजीनियरिंग की भी चाहिए, मैनेजमेंट की भी चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी चाहिए। अब ये सारी चीजें एक पर्सन में तो हो नहीं सकती, तो बहुत सारे लोगों की टीम बनाई जाती है, बहुत सारे लोगों को एक साथ ब्लेंड किया जाता है, उनकी एक्सपर्टीज को यूज करके फिर डिसीजन को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर। अब आज के टाइम में इतना ज्यादा डेटा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, तो उसको मैन्युअली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम कंप्यूटर टेक्निक का यूज करते हैं, इसलिए डिजिटल कंप्यूटर भी इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है। आगे बात कर लेते हैं मेथोडोलॉजी की, या फिर हम कहें जो स्टेप्स है, क्या प्रोसेस है एक ऑपरेशन रिसर्च का। सबसे पहला, हर डिसीजन मेकिंग में पहली चीज तो आप मार्क कर लो मेरे वर्ड, सबसे पहला काम तो हमें प्रॉब्लम बनाना है। जैसे कि हमने स्टैट्स में देखा था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहला काम हाइपोथेसिस, दैट इज अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करना है क्लियरली। उसके बाद अपनी अजम्पशंस हम मेंशन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इनपुट लेते हैं, अपना रॉ डेटा कलेक्ट करेंगे, उस रॉ डेटा से मॉडल बनाकर उसको फॉर्मुलेट करके रिजल्ट्स इंटरप्रेट करेंगे, फिर अपने मॉडल को वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट को या हम चेक करेंगे भी बोल सकते हैं, और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस जो हमने फाइनली सॉल्यूशन निकाल लिया उसको। अब जो ये 6 स्टेप्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सबको हम वन बाय वन उठाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेप्स को एक्सप्लेन करें, और क्वेश्चन अच्छे से अच्छे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला, फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम, एक क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट में हम अपनी प्रॉब्लम स्टेट करनी है। एनालिस्ट कैन नॉट डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स, अब जो बंदा है वो सारी प्रॉब्लम्स एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं उठा के देख सकता, तो इसीलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वो प्रॉब्लम जो एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल जिसको प्रॉब्लम असाइन की गई है वो देखे, तो वो उसकी कैपेबिलिटी हो कि वो उसको देख सकता है, तो हम वो प्रॉब्लम उठाते हैं। अब जो प्रॉब्लम है उसको हम कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज हम उसी बेसिस पे करते हैं जैसे कि अभी हमने हिस्ट्री में देखा था कि 1950 से पहले स्ट्रक्चर्ड और उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी ऑपरेशन रिसर्च अप्लाई होने लग गया। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो है हमारी स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसको हम प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी यूनिक या फिर नॉन रेकरेंट या फिर मैं कहूँ अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, उस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक प्रॉब्लम में क्लासिफाई करेंगे। अब मॉडल बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग जैसे कि अगर मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल दूं कि कभी भी हम अगर कोई देखें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होनी है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी है, तो वो एक छोटी सी अपनी डमी मॉडल बना लेते हैं। आपने देखा हो अगर कहीं पे कि बाद में बिल्डिंग बनने के बाद, इनफैक्ट कई जगहों पे वो मॉडल को सेंटर में रख दे देते हैं ऐसे शोपीस कि हमने ये बनाने की प्लानिंग की थी और एग्जैक्टली बिल्डिंग उसकी डुप्लीकेट बनाई गई है। ये एक एग्जाम्पल है, एक टाइप ऑफ मॉडल है, ताकि आपको समझ में आए कि मॉडल बिल्डिंग में यहाँ पे मॉडल से क्या मतलब है। तो ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ मेंशन किया है, अ मॉडल इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन दैट आइडियली स्ट्रिप्स अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ इट्स ब्लरिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड रेप्लीकेट्स इट्स एसेंशियल बिहेवियर। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो तो एक बिल्डिंग से हो गया, रियल लाइफ सिचुएशंस को भी हम एक मॉडल के रूप में, एक अपने ग्राफ्स के रूप में बनाकर उनकी प्रेजेंटेशन से उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। अब जो एम्फेरिकल सिचुएशंस हैं, जैसे कि द डिसीजन मेकर हैज टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द एम्फेरिकल सिचुएशन दोज फैक्टर्स विच आर मोर रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम एंड कंबाइन देम इन लॉजिकल मैनर सो दैट दे फॉर्म अ काउंटर पार्ट और अ मॉडल ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो भी हमारी करंट प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल काम हो चुके हैं, जैसे कि कहते हैं कि हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, तो जो हिस्ट्री में सिमिलर प्रॉब्लम्स आई हैं उससे रिलेटेड हम फैक्टर्स ढूंढ के उन फैक्टर्स को अपनी करंट प्रॉब्लम के साथ कंबाइन करके उस मॉडल को और एक्यूरेट और एक्चुअल बनाने की कोशिश करते हैं। अब मॉडल्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल मॉडल जिसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं आइकॉनिक में और एनालॉगी मॉडल में, और दूसरा हमारे पास सिम्बॉलिक मॉडल। तो ये मॉडल्स भी हमें इन डेप्थ देखने हैं।
आइकॉनिक मॉडल से शुरू करते हैं, ये एग्जैक्टली सिमिलर रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है जैसा बड़ा होने वाला है उसका छोटा। अब बड़ा भी बनाया जा सकता है, छोटा भी बनाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारी प्रॉब्लम पर। जैसे कि मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइकॉनिक मॉडल एंड द ऑब्जेक्ट दैट इट रिप्रेजेंट्स आर सेम। आइकॉनिक मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल सेम होगी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे। मतलब अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग का मॉडल है, तो बिल्डिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वही हमारी सेम ऑर्गेनिक आइकॉनिक मॉडल की रहेंगी। इसके एडवांटेज है ये कंसंट्रेट और स्पेसिफिक क्लियर बात करता है, और ये एग्जैक्टली जो चीज हम बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसका रिजेम्बलेंस देता है रियल लाइफ का। और इसका डिसएडवांटेज है ये खुद को अपने आप ही जो एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस की मैनिपुलेशन है उसमें इंडल्ज हो ही जाता है कहीं ना कहीं। अब एक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिखाया है, एक गाड़ी है, गाड़ी बनने से पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। अब बात करते हैं एनालॉगस मॉडल की, ये फिजिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आइकॉनिक मॉडल जो था वो एक रियल लाइफ सिचुएशन को एज इट इज छोटा या बड़ा करके हम प्रेजेंट करते हैं, वो कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं थी, ये फिजिकल मूवमेंट को करता है। और इसी जब मूवमेंट है तो बार ग्राफ लाइन चार्ट वगैरह से हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया हमारा डिमांड कर्व, डिमांड कर्व की मूवमेंट हमारी एनालॉगी मॉडल में आएगी। ये कम स्पेसिफिक है और कंसेंट्रेट भी कम है, लेकिन ये आइकॉनिक मॉडल से ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें मैनिपुलेशंस कम हो जाती हैं। जो डेटा हमारे पास है हम डेटा को ही ग्राफ्स और चार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपनी मैनिपुलेशंस कम करते हैं। और जब हम अगर बिल्डिंग का मॉडल बनाने जा रहे हैं तो जो बनाने वाला है वही चीज, एक खिड़की को बड़ा बनाना और छोटे में बनाना, थोड़ा बहुत जो अपने बंदा बनाने वाले की मैनिपुलेशंस उसमें आ ही जाती हैं। अगला बात कर लेते हैं सिंबॉलिक मॉडल, इसको हम मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं। इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को सिंबल्स से या इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैथ्स में हमने कई बार देखा, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी देखा होगा कि हम जो अपनी प्रॉब्लम है एलपीपी अगर हम मान लें तो उसमें हम इक्वेशन बना के अपने सारे कंस्ट्रेंट्स को बना के उसको सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट लीनियर प्रोग्रामिंग की हमारी अगली वीडियो उसी की है, तो आपको ये सारे मॉडल्स और टेक्निक्स सब समझ में आ जाएंगे। जो ये मॉडल है ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा ऑपरेशन रिसर्च में। इसमें हम जो सिंबल्स हैं उसमें हम नंबर्स भी यूज करते हैं, वेरिएबल्स भी यूज करते हैं, हम अपने लेटर्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैथमेटिकल मॉडल है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, जो कि हमारे जहां पर सारे पैरामीटर्स जो है हमारी इक्वेशन के फिक्स हैं, पहले से हमें पता है क्या हमारे पैरामीटर्स होने वाले हैं, वहां पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं आती, तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो गया। और प्रोबेबिलिस्टिक या फिर मैं कहूँ चांस मॉडल, जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है कि उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी, हमारे जो वेरिएबल्स हैं जो पैरामीटर्स हैं वो स्टैटिक नहीं है। इसके अलावा मैथमेटिकल मॉडल में हमारे पास तीन कॉम्पोनेंट्स भी आते हैं, या फिर मैं कहूँ तीन टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास आते हैं। एक तो रिजल्ट वेरिएबल्स जो हमारा रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर मेजर करते हैं हमारी कितना इफेक्टिवनेस हमारा सिस्टम होने वाला है, मतलब कि जो इक्वेशन हमने बनाई है, जो हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी प्रॉब्लम को बनाई है, वो उसमें कितनी इफेक्टिव होने वाली है हमें हमारा रिजल्ट देने के लिए, इसीलिए इसको रिजल्ट वेरिएबल भी बोला जाता है। डिसीजन वेरिएबल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जहां पर हम चॉइस की बात कर रहे हैं, जो वेरिएबल हमारा फाइनल चॉइस हमें बताएगा वो डिसीजन वेरिएबल। और उसके बाद अनकंट्रोलेबल वेरिएबल, अब जब हम प्रॉब्लम बनाते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे डिसीजन मेकर के हाथ में नहीं होती। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि मार्केट में सप्लाई कम हो गई, तो वो हमारे डिसीजन मेकर के हाथ में नहीं है, तो इसीलिए वो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, थर्ड स्टेप कहें अगर हम ऑपरेशन रिसर्च का, तो ऑप्टेन करना है हमें इनपुट डेटा, डेटा ऑप्टेन करना है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्ट का एग्जाम्पल देखें तो सोर्सेज हमारे पास क्या क्या होंगे, कंपनी की रिपोर्ट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं हम उनसे इंटरव्यू लेके 1-to-1 या फिर ग्रुप इंटरव्यूज लेके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि किसी भी चीज का सोल्यूशन तब तक सही नहीं होगा जब तक उसका बेस, दैट इज जो उसका रॉ मटेरियल होता है वो सही हो, और किसी भी डिसीजन को लेने में उसका रॉ मटेरियल उसका इनपुट डेटा होता है। जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज में हमने सबने पढ़ा है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो डेटा हम कंप्यूटर को देंगे अगर वो गलत है
तो कंप्यूटर भी हमें बाहर गलत ही देगा. सेम पॉइंट हमारा यहाँ अप्लाई होता है. अगर इस स्टेप में हमने अपना इनपुट डेटा कलेक्ट करने में गलती कर दी तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी टोटली वेस्ट होगा, या फिर मैं इसी लैंग्वेज में बोलूँ टोटली गार्बेज होगा. करेक्ट और रेलेवेंट डेटा इकट्ठा करना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है. तो जो डिसीजन मेकर है उसे बहुत ही एनालिटिकल अपनी सोच रखनी पड़ेगी डेटा कलेक्ट करते टाइम. अगला पॉइंट आता है मॉडल का सॉल्यूशन हमारा. अब सॉल्यूशन से हमारा मतलब क्या है? अ सॉल्यूशन टू अ मॉडल इम्प्लाइज डिटरमिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स दैट वुड यील्ड अ डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब कि जो हमारा जो डिसीजन है वो एक स्पेसिफिक सेट से प्रॉब्लम से हम उसमें ढूंढें, और जो हमारा डिजायर्ड लेवल था, जो हम एक्चुअली अचीव करना चाहते थे. अगर जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, मैं उसमें बात करूं कि हम अपने मार्केट में एक्सटेंड करना चाहते थे, मार्केट को बड़ा कैप्चर करना चाहते थे, और ज्यादा कि हमारे पास सेल कम हो रही थी, तो जो जितनी सेल हमने सेट करी थी कि हम एटलीस्ट यहां तक पहुंच जाएं, तो वो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट हमारा अचीव हो जाए, तो वो हमारा सोल्यूशन होता है. तो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट की मैं डेफिनेशन यहाँ मेंशन कर रही हूँ रेफरेंस के लिए आपकी. अब जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी हमारा कैटेगराइज किया जा सकता है तीन कैटेगरीज में. पहले तो फिजिबल और इनफिजिबल सॉल्यूशन. दूसरी कैटेगरी में हमारे पास आएगा ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. और तीसरी कैटेगरी हमारे पास हो सकती है यूनिक या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन. एक एक करके इनको समझ लेते हैं क्या होते हैं. जैसे कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा वैसे तो, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. फिजिबल सॉल्यूशन हमारा होता है जहां पर हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स, जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके जितने भी हमारे पास अड़चने थी, वो सारी सेटिस्फाई हो जाएं तो फिजिबल है. और अगर वो सेटिस्फाई ना हो, कोई एक भी अगर सेटिस्फाई ना हो, कोई एक भी हमारी अड़चन जो है वो अड़ रही है हमारे सॉल्यूशन में, कि जिसको हम कहते हैं कि मॉडल्स अजम्पशन लेके शुरू होते हैं और रियल वर्ल्ड में वो अजम्पशंस वैलिड नहीं होती, तो वो हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाता है. ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है, जो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, वो मैक्सिमम हो, और नॉन ऑप्टिमल उसका रिवर्स, जहाँ वो ऑप्टिमल ना हो. यूनिक, अब कई बार जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें एक आंसर हमारे पास होता है, कई बार हमारे पास एक से ज्यादा आंसर्स आ जाते हैं, कि मतलब एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम से डील करने के लिए, और दोनों ही हमें इक्वल लेवल ऑफ एफिशिएंसी दें, तो मल्टीपल सॉल्यूशन. अगर जहाँ हमारे पास एक ही है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, तो सिंपल यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास. अब जो ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखें और आपने अगर लीनियर प्रोग्रामिंग पहले कर रखा हो, तो ये सारे उसमें फिट हो रहे हैं एग्जैक्टली. अगर हम बैठें तो जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो फिजिबल इनफिजिबल में आ जाएगा. ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा एक जेड की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है, और यूनिक और मल्टीपल सॉल्यूशन भी हम ग्राफिकली उसमें देखेंगे. तो अगर आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग करना हो तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ. आप वहां से ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं, जो सॉल्यूशन के हमारे टाइप्स हैं, इनको और इजीली और अच्छे से समझ पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. हमारा फिफ्थ स्टेप था मॉडल की वैलिडेशन. वैलिडेशन का मतलब कि जो हमने मॉडल बना दिया है वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है. अब हम जो मॉडल हमने सॉल्यूशन निकाला है वो हमारा प्रॉपरली वर्क होगा, उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है. अब ये तो नहीं हो सकता ना मैं बना दूं और वो 100% सही हो जाए, तो उसकी चेकिंग, उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मॉडल के पास अपने कुछ लिमिटेशंस, अपनी कुछ अजम्पशंस होती ही हैं. अब जो मॉडल वैलिडेशन है उसमें चार तरह की वैलिडेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक उसका कॉन्सेप्ट वैलिडेट करना, फिर जो हमने मॉडल का सिस्टम बनाया है, जो प्रोसेस बनाया है उसको वैलिडेट करना, फिर जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे और जो उसकी डेटा की क्वालिटी है उसको वैलिडेट और असेस करना, और चौथा जो हमारा प्रोसेस है, हमारा मॉडल जिस तरह वर्क करेगा उसकी वैलिडेशन. तो ये चारों वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी मॉडल को चेक करें. अब लास्ट स्टेप इम्प्लीमेंट कर देते हैं. जब हमने सब कुछ देख लिया तो अपना पूरा मॉडल चेक भी कर लिया. अब जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो मतलब है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशन को इनकॉपरेट कर दें, जो हमने तरीका ढूंढा था उसको ऑर्गेनाइजेशन में डाल दें हम. अब कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो पक्का हमारा ऑटोमेटिकली हमारे सेलेक्ट कर दे, अपने आप इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, अडॉप्ट भी हो जाएगा. जी नहीं, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो
जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारी प्रॉब्लम तो क्वालिटेटिव होती है, हम यूज हम उसको क्वांटिटेटिव टेक्निक से करते हैं। अब जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो तो मैथमेटिकल टर्म्स में आया ना, मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम को खुद तो अब इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएगी, हमें ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ समझें कि अगर एक मॉडल जो है वो बहुत अच्छा बेनिफिट हमें दे रहा है पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो क्या वो मॉडल हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। पर एक मॉडल है जो इम्प्लीमेंट पक्का हो जाएगा और उसका श्योर शॉट होना, मतलब उसका हमारा एग्जैक्टली सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, थोड़ा सा 19-20 की हमें दिक्कत आएगी तो हमें वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर जो हमारा मॉडल इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता तो उस पर अपना ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो बुकिश वर्ल्ड में या फिर मैं कहूँ हमारे थियोरेटिकल वर्ल्ड में वो मॉडल हमारा सही बैठ रहा हो। जब हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक से उसको चेक किया तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो वही है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब जो चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती उस पर टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तो जो चीज़ भले ही कम फायदा दे रही हो बट एक्चुअल में उसके फायदा देने के चांसेस बहुत ज्यादा हों, या फिर उसके फायदा देने वाले मॉडल को प्रॉपरली सिस्टम में फिट किया जा सकता हो, हम उसको उठाएंगे। अब ये तो थे हमारे स्टेप्स टोटली, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशनल रिसर्च जैसे काम करता है। बार बार ओआर से मुझे ऑर्गेनाइजेशन ही याद आता है, उसके लिए सॉरी। अब अगले बात कर देते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अब क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं तो ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब करेंटली हम इन कंप्यूटर बेस्ड ही हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, बिना कंप्यूटर के आज के टाइम पे जिंदगी देख इमेजिन ही नहीं की जा सकती है। तो सेम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, प्रोसीजर्स, पीपल, डेटाबेस, बहुत सारी चीजें आती हैं। तीन बेसिक सिस्टम्स हैं जिनका यहाँ ऑपरेशन रिसर्च में यूज किया जाता है, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इन तीनों सिस्टम्स को हम पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर द कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिस्टम है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, डेटाबेस है, लोग हैं और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इन तीनों को अगर हम अलग अलग देखें तो इनका कोई यूज नहीं है। जब तक इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इन तीनों को आपस में प्रॉपर कंट्रोल के साथ नहीं यूज किया जाएगा, तब तक इन तीनों का होना ना होना एक बराबर है। और ये काम हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम करता है। इन तीनों को अगर हम क्लब कर दें तो ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। कॉर्पोरेट सेटिंग में जो हमारा अल्टीमेट गोल है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज करना, जो अगर हम देखें एक नॉर्मल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी पर्सन अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसका मेन एम तो एट द एंड आके अपने बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ाना या फिर मार्केट इमेज में उसकी वैल्यू बढ़ाना ही होता है। तो सेम हमारा कॉर्पोरेट सेटिंग में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का गोल भी वैल्यू और प्रॉफिट बढ़ाना ही होता है। अगला आता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है। एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, कह सकते हैं उसको बैकबोन देता है एक तरह से। ये जनरली हमारे मिडल लेवल और हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये फुल्ली कंप्यूटराइज भी हो सकता है, ह्यूमन पावर्ड भी हो सकता है और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम की। आज के टाइम पे कंप्यूटर विद ब्रेन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। जैसे कि आपने एलेक्सा देखा होगा, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो हमारी बात सुन के अपने दिमाग लगा के उस चीज को ढूंढ कर हमें बताता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और सेम इसकी डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमंस एंड मिमिक देयर एक्शंस। जो टर्म है वो अप्लाई की जाती है मशीन्स पर जो ह्यूमन की माइंड की तरह सोच के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। और आज के टाइम पे और या फिर मैं कहूँ फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है हमारे डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में, क्योंकि
जो ह्यूमन बीइंग सोचते हैं उसी तरह से हमारी वो मशीन सोचेंगे और टाइम कम होगा। ऑल्दो वो कम क्रिएटिव होगा क्योंकि एट द एंड वो एक लिमिट के बाहर नहीं सोच सकती, वो मशीन है, बट बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड में। आई होप आपको समझ में आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।